नमस्कार, बीडीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करने जबलपुर आई महामहिम राष्ट्रपति ने न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 9% और हाई कोर्ट में सिर्फ 14% महिला जज हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका के हित में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्रिपल ITDM परिसर में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए NXC भवन का रिमोट के जरिए वर्चुअल शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बुधवार की शाम इंदौर से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से डुमना विमानतल आगमन हुआ। डुमना विमानतल पर प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कांवरे, चीफ ऑफ स्टाफ मध्य भारत एरिया जनरल RP सिंह, विधायक अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी इंदु, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष जितेंद्र जामदार सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने राष्ट्रपति की आगवानी करते हुए उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। डुमना विमानतल से राष्ट्रपति ट्रिपल ITDM के लिए रवाना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्रिपल ITDM में आयोजित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 460 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नए भवन के शिलान्यास समारोह में शामिल हुई। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं में न्याय करने का नैसर्गिक भाव होता है। एक माँ कभी बच्चों में भेद नहीं करती। महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका के हित में होगी। उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामले और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चुनौती है। देश की ट्रायल कोर्ट में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रवि मलिमठ जी, मध्य प्रदेश उच्च न्याय के अन्य न्यायाधीशगण, महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जन, आज मां नर्मदा की पावन धरती जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस उच्च न्यायालय का भवन 134 वर्ष पुराना है। न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादकारियों की संख्या में लगातार वृद्धि तथा इस न्यायालय को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने के लिए नया स्टेट ऑफ द आर्ट भवन समय की मांग है। मुझे बताया गया है कि नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के लिए कोर्ट रूम्स, मीटिंग हॉल्स, साथ साथ कॉन्फ्रेंस हॉल, बार रूम्स, डेटा सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस भवन में महिला अधिवक्ताओं के लिए भी एक अलग बार रूम प्रस्तावित है। मुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था न केवल महिला अधिवक्ताओं के लिए बल्कि महिला वादकारियों के लिए भी सुविधाजनक होगी। महिलाओं का सशक्तिकरण एक समावेशी भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले सप्ताह ही संसद में महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य के सदनों में 33%
सीटें आरक्षण करने का अधिनियम पारित हुआ है। मुझे विश्वास है कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के ये पहल अत्यंत क्रांतिकारी होगी। मुझे बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के में करीब 9% और उच्च न्यायालय में लगभग 14% महिला न्यायाधीश है। न्यायपालिका भी समाज का ही एक हिस्सा है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ भी महिलाओं की समुचित भागीदारी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि महिलाओं में न्याय करने का नैसर्गिक भाव होता है, इसीलिए कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करती है। राष्ट्रपति के उद्बोधन के पूर्व प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उद्बोधन दिया। हमारी न्यायपालिका देश की सबसे मूल्यवान और सम्मानित संस्था है, जिसने अपने निर्णय और स्वतंत्र कामकाज के द्वारा लोकतांत्रिक विश्व में भारत की साख को बहुत मजबूत बनाया है। देशवासियों को न्यायपालिका पर गर्व है। वह इसके निर्णयों और हमारी राष्ट्रीयता को आकार देने वाले मूल्यों की प्रति न्यायपालिका की निष्ठा का सम्मान करते हैं। आज़ादी के अमृत काल में हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज दुनिया की सबसे अच्छी निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था भारत में संचालित है। हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर उपयोग, अधिकतम उपयोग जल्दी न्याय दिलाने में कैसे कर सकते हैं, इस पर काफ़ी काम चल रहा है, हम लोग लगातार करते रहे। अब कई बार पेशी पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो जाए। ये और नई व्यवस्थाएं हम कैसे सोच सकते हैं, इस पर हमको और विचार करके फैसले लेने चाहिए। और एक मध्य प्रदेश में लोक अदालत की बहुत स्वस्थ परंपरा रही है, मैं बहुत बधाई देता हूँ। लाखों मामले एक दिन में निपटाए, आपस में बातचीत करके उन मामलों को निपटाया जा सकता है, और इसलिए कोर्ट के बाहर कितने फैसले हो सकते हैं। ट्रिपल ITDM के सभागार में हुए शिलान्यास समारोह में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमठ ने पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर राष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं जस्टिस शील नागू ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्रीगण और उच्च न्यायालय के जस्टिसगण अधिवक्ता मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। राष्ट्रपति को डुमना विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विदाई दी। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर के एक हिस्से का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लाईओवर पूरा होने दीजिए, 1100 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाला ये 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर जबलपुर की तस्वीर बदल कर रख देगा। शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो गया ये फ्लाईओवर। दमोह नाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर के एक हिस्से का लोकार्पण प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। कुल 6 किलोमीटर के इस फ्लाईओवर के 1.5 किलोमीटर के कंप्लीट हो चुके हिस्से को जनता के उपयोग के लिए खोल दिया गया है। महानद्दा से गुलाटी पेट्रोल पंप तक बन चुके हिस्से का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 1100 करोड़ के इस फ्लाईओवर को पूरा होने दो, ये जबलपुर की तस्वीर बदल कर रख देगा। यार
1200 करोड़ का फ्लाईओवर अभी पूरा तो बनने दीजिए, ये जबलपुर की तस्वीर बदल कर रख देगा, जबलपुर की तस्वीर बदल कर रख। और विकास की सौगात मैंने विकासपुर जैसे नहीं कहा, रिंग रोड जबलपुर में बन रहा है, 5000 करोड़ की लागत का रिंग रोड, 116 किलोमीटर जबलपुर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, अरे केवल चार नहीं 10 दिशाओं से जुड़ जाएगा, अद्भुत नगरी होगी अपना जबलपुर, अद्भुत नगरी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा फ्लाईओवर का नाम रानी दुर्गावती फ्लाईओवर होगा, साथ ही जबलपुर में रानी दुर्गावती के स्मारक का निर्माण 100 करोड़ रुपए से कराया जाएगा, विकास की कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क 100 करोड़ रुपए का बनेगा, जिसको देखने पूरा हिंदुस्तान जबलपुर संस्कारधानी आएगा। रीजनल साइंस सेंटर 48 करोड़ रुपए का, टेक्नोलॉजी सेंटर 200 करोड़ रुपए का, और देश का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे भी अपने जबलपुर में ही लगने वाला है। आईटी पार्क 200 करोड़ रुपए का, और आईटी पार्क एक भर गया, दूसरा बन रहा है वो भी भरेगा। जबलपुर के बेटे बेटियों, अब तो आईटी के क्षेत्र में तुम भी झंडा गाड़ो, अपनी कंपनी बनाओ, और चिंता मत करना, तुम्हें बैंक से लोन दिलाना और लोन की गारंटी लेना भी मामा की जवाबदारी है, मम्मी पापा की जवाबदारी नहीं। फ्लाईओवर के लोकार्पण समारोह के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा कि जबलपुर के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। मदन महल से दमोनाका तक बनाए जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के एक हिस्से का बुधवार की शाम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद लोग बड़ी संख्या में फ्लाईओवर को देखने पहुंचे, जिससे यहां लोगों की भीड़ लगी रही। लोग वाहन लेकर फ्लाईओवर से गुजरे। इस दौरान लोगों ने फ्लाईओवर के इस सफर को मोबाइल कैमरों में भी कैद कर यादगार भी बना दिया। भारतीय शौर्य और साहस का प्रतीक रानी दुर्गावती के अवतरण का 500वां वर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। रानी दुर्गावती शोध संस्थान के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 5 अक्टूबर 2023 को पंचशती समारोह 2023-24 का शुभारंभ कालिंजर किले से किया जाएगा। वर्ष भर कार्यक्रम चलते रहेंगे। रानी दुर्गावती शोध संस्थान के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भारतीय शौर्य और साहस का प्रतीक रानी दुर्गावती के अवतरण का 500वां वर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 5 अक्टूबर 2023 से 5 अक्टूबर 2024 तक लगातार रानी दुर्गावती की जीवन गाथा पर आधारित कार्यक्रम आयोजित होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अमर बलिदानी रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा से परिचित कराया जा सके। ये कार्यक्रम 5 अक्टूबर 2023 को कलिंजर रोड से शुरू होगा, जहां पर कि रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था कीरत सिंह के परिवार में, और वहीं से दलपत सिंह के साथ में उनकी शादी हुई और नरई नाला में उनका प्राणोत्सर्ग हुआ। तो 5 अक्टूबर 2024 को वो संपन्न होगा। इसके बीच में हम लोग 12 स्थानों का भ्रमण करेंगे, 12 राज्यों में कार्यक्रम करेंगे, एक महाकाव्य की संरचना करेंगे। 5 अक्टूबर और 24 जून को जो बच्चियां जन्म ली हैं उनको पुरस्कृत करेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर हम लोग पुरस्कार का आयोजन करेंगे, और अपने अपने क्षेत्र में जिन 500 महिलाओं ने श्रेष्ठ योगदान दिया है राष्ट्र निर्माण में, उनका सम्मान करेंगे हम 5 अक्टूबर 2024 को। वो हमारा समापन का कार्यक्रम होगा। मुझे लगता है कि 500वां वर्ष जो रानी दुर्गावती का है, पूरे अभी भी हम लोग भारत @2047 की बात कर रहे हैं, अमृतकाल की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रानी दुर्गावती शोध संस्थान और रानी दुर्गावती की पंचशती समारोह समिति है उसका होगा, ऐसी हमारी भावना है। रानी दुर्गावती के 500वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में पंचशती कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे वर्ष
5 अक्टूबर 2023 से 5 अक्टूबर 2024 तक पूरे वर्ष भर रानी दुर्गावती शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 5 वर्ष पहले हुई थी और उसका उद्देश्य ये था कि रानी दुर्गावती से संबंधित जीवन, उनके जीवन के जो विभिन्न आयाम थे, जो पहलू थे, उनके बारे में समाज में जागरण लाया जाए। अब ये पंचशती समारोह में पूरे देश में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। पहला कार्यक्रम 5 अक्टूबर को कलिंजर फोर्ट में होगा और समापन का कार्यक्रम उनके बलिदान स्थल नर्रई नाला में 5 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। आयोजक मंडल के मुताबिक कार्यक्रम का शुभारंभ बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले से होगा और समापन नर्रई नाला स्थित समाधि स्थल पर होगा, जहां देश भर की श्रेष्ठ 500 महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। धनवंतरी नगर चौकी क्षेत्र स्थित एम्स अस्पताल के पास बुधवार की दोपहर नकाबपोश बदमाशों ने तिलवारा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों से भरी बस को रोककर जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने चाकू चमकाते हुए बस में सवार स्कूल कर्मी और बस के कंडक्टर से मारपीट कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और दहशत फैलाते हुए भाग निकले। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। इस घटना की लिखित शिकायत धनवंतरी नगर पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। धनवंतरी नगर पुलिस चौक क्षेत्र एम्स अस्पताल के पास नकाबपोश बदमाशों ने दिल्ली पब्लिक स्कूल नागपुर रोड की स्कूल बस को रोककर जमकर आतंक मचाया। बच्चों से भरी बस में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने चाकू चमकाते हुए स्कूल कर्मी अभय सोहिल और बस कंडक्टर को जान से मारने की धमकी दी और उनसे मारपीट करने के बाद भाग निकले। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें वारदात को अंजाम देने के बाद नकाबपोश बदमाश बस से उतरकर भागते नजर आ रहे हैं। अब उतरिए भाग। घटना के बाद स्कूल कर्मी अभय सोहेल ने धनवंतरी नगर पुलिस चौकी में मामले की लिखित शिकायत दी है। उन्होंने पुलिस को बताया कि स्कूल छूटने के बाद वो स्कूल बस क्रमांक MP20DA0853 से बच्चों को छोड़ने जा रहे थे, तभी नकाबपोश बदमाशों ने बस को रोककर इस घटना को अंजाम दिया और भाग निकले। इस मामले में धनवंतरी नगर चौकी पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी और तलाश शुरू कर दी है। झारखंड में एक ट्रेन में हुई डकैती की वारदात के बाद प्रदेश में भी यात्री ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। रेलवे सुरक्षा बल और शासकीय रेल पुलिस द्वारा मुख्य रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों और स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों की निगरानी का कार्य किया जा रहा है। झारखंड राज्य में एक ट्रेन में घटित हुई डकैती की वारदात के बाद रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। शासकीय रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीमों ने मुख्य रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों की सघन जांच की। इस दौरान संदिग्ध लगने वाले लोगों से पूछताछ भी की गई। 26/9/2023 को झारखंड में जो समलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में डकैती हुई है, उसी को लेकर हमारे SRP महोदय द्वारा सभी को निर्देशन दिया गया था कि सभी अच्छे सघन चेकिंग किए जाए, जिसमें हमने ट्रेन आने जाने वाली ट्रेनों को प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने चेकिंग किया कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिले तो उस पर हम कार्रवाई कर सकें। अभी कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है, पर हमारी ये कार्रवाई डेली चलेगी और जो भी भीड़ वाली ट्रेनें रहती हैं, जो बड़ी ट्रेनें रहती हैं, लंबी दूरी की ट्रेनें रहती हैं, उन पर विशेष उसमें रहेगा हमारा और ये कार्रवाई लगातार चलेगी ताकि हमारे यहाँ इस प्रकार कोई घटना घटित ना हो। रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से मुसाफिर खाने और स्टेशन के चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध वस्तुओं की भी तलाशी ली। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए तस्कर अब ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शासकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने मुख्य रेलवे स्टेशन पर एक गांजा तस्कर को दबोचा, जिसके कब्जे से 19 किलो गांजा जब्त करते हुए NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। गांजे की खेप के साथ पकड़ा गया आरोपी मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद का रहने वाला है।
शासकीय रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 5 से एक गांजा तस्कर कृष्ण गोपाल शर्मा को गिरफ्तार किया। मूलतः उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले कृष्ण गोपाल के कब्जे से 19 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। शासकीय रेल पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के विरुद्ध NDPS के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी कृष्ण गोपाल से गांजा सप्लाई के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां और इस कारोबार से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तस्दीक की जा रही है। GRP जौलपुर और RP ऑफ जौलपुर की संयुक्त सघन चेकिंग की गई थी, जिसमें सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि आरोपी कृष्ण गोपाल शर्मा, पिता मुनीस कुमार शर्मा, उम्र 30 साल, ग्राम पिपरौला, पोस्ट बछ गांव, थाना रिजावली, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, ये गांजा लेकर के जा रहा है, जिसकी तलाशी किए जाने पर संयुक्त टीम द्वारा GRP और RPF द्वारा तलाशी किए जाने पर इसके पास से 19 किलो गांजा लगभग 3 लाख रुपए का बरामद किया गया और उसका विधिवत नियमानुसार जब्ती वगैरह की कार्रवाई की गई है, जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ मंडल सुरक्षक आयुक्त त्रिपाठी साहब के मार्गदर्शन में हुई है और ये एक GRP और RPF की संयुक्त कार्रवाई थी, जो कि बड़ी प्रभावशाली थी और आगे भी इस पर निरंतर प्रभावशाली कार्रवाई की जाती रहेगी। रेल पुलिस द्वारा इस मामले में छानबीन के लिए जल्द ही एक पुलिस टीम को उत्तर प्रदेश भेजने के संकेत भी दिए गए हैं। साथ ही गांजे की खेप कहां सप्लाई की जाने वाली थी, इस संबंध में भी जांच शुरू कर दी गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।